लेकिन जब सुबह हुई तो आसमान के अंदर एक प्रकार की अद्भुत शांति थी, लेकिन शांति को अशांत करने का फिर भी प्रयास किसी ने कहीं चल रहा था। विषय दुखद है लेकिन मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। मेरे साथ में हमारे लोकतंत्र सुरक्षा मंच की पूरी टीम, डॉक्टर सतीश यादव जी जो यादव महासभा के प्रधान हैं, और हमारे डॉक्टर सतीश यादव जी जो हमारे लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय महासचिव हैं, दूसरे राष्ट्रीय महासचिव अशोक दीक्षित जी और तीसरे राष्ट्रीय महासचिव भाई अपने रामराज जी शर्मा और हमारे प्रेस के और प्रवक्ता और मेरे मुख्य सलाहकार हरि शमशेर कौशिक जी और हमारी युवा टीम के प्रधान रमेश राव पायलट जी, यादव महासभा के भी प्रधान है युवा यादव महासभा और हमारे लोकतंत्र सुरक्षा मंच के युवा कार्यकारिणी के भी प्रधान है और चौथे हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं हनुमान प्रजापति जो आपके बीच में विस्तार से हैं, अपना अपना गुणान सभी संभाले हुए हैं और इनके साथ में जुड़े हुए जो क्योंकि दिल्ली में हम बैठ करके सारा बोझ भार जिसके कंधों पर डालते हैं वो हमारे सैनिक समाज के राष्ट्रीय पूर्व में अध्यक्ष रहे अभी हमारे गार्डियन है श्रीपाल सिंह जो हमेशा से हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिल खोल करके सहयोग करते हैं, मैं श्रीपाल जी का भी बहुत आभारी हूँ। और मेरे साथ में फरीदाबाद के जो जिला अध्यक्ष हैं और हमारे जैन समाज के भी मुख्य गार्डियन है महेश जैन जी जो आपके बीच में और हमारे जो रोहतक इकाई को संभालते हैं हमारे प्रवक्ता हैं तेजवीर सैन जी जो आज स्टेट सेक्रेटरी का काम भी कर रहे हैं, तेजवीर जी। और तीसरे हमारे साथ में आज हुई महिला नेत्रियां हैं दो तीन, सुकुंतला वर्मा जी हैं ये भी हमारे उपाध्यक्ष हैं अपने लोकतंत्र सुरक्षा मंच में और हमारी पुष्पा शर्मा जी ये गुड़गांव के उपाध्यक्ष हैं हमारे लोकतंत्र सुरक्षा मंच से और रोहतक से उपाध्यक्ष हैं हमारी मोनिका आहूजा जी और इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे लोकसभा गुड़गांव के प्रभारी और बहुत ही मुख्य सलाहकार हमारे शेख जानी पहलवान ये भी हमारा 2400 घंटे एक मिशन के रूप में इस काम को करते रहते हैं और जो भिवानी से आई है जो भिवानी खेड़ा रिप्रेजेंट करती है हिसार लोकसभा में पड़ता है और भिवानी से आई है और हिसार को भी और भिवानी को भी दोनों की महिला हमारे ऐसी समाज से ये उपप्रधान है लोकतंत्र सुरक्षा मंच में और आज के जो आयोजक हैं जिन्होंने एक हौसला दिखाया मेरे पास शब्द नहीं है कि आयोजक तो बहुत मैंने भी देखे लेकिन रात के 1 बजे तक प्रोग्राम के क्योंकि प्रोग्राम 4 दिन पहले शेरदा में भी था, शेरदा के प्रोग्राम में भी इसी तरह के लोगों ने कंट्रोवर्सी की थी लेकिन बहुत सारे लोग गांव के मैदान छोड़ करके चले गए थे, हमें बड़ा दुख हुआ। लेकिन मदाने जैन के अंदर भैया कहना जी लेखराम जी मेरा न जाने इसको क्या इस बात की ऊर्जा मिल रही थी, मैंने कहा रे भाई देखना कहीं अपना सिर उड़वा दे हमारे पीछे भी वाला तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन मेरा साहब अपने वजूद के लिए कायम है जाने जाते हैं भाई और कोशिश कर रहे हैं मेरा साहब को इसी शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जरा जो बात आ रही है हमारे
जेंद्र क्षेत्र के प्रभारी हैं अपने वरिंदर स्वामी जी, जरा ये भी एक बार हाथ जोड़ करके, और बहुत सारे मौजूद मेहमान हमारे सिंह सभा के प्रधान रिवाड़ी से भाई क्षेत्राम जी, और सुरेश खत्री जी रोहतक से हैं, और जो जो भाषण आपने सुना, भाषण तो मैंने भी बहुत दिए होंगे और लोगों के सुने होंगे, लेकिन आज मैं चंदेलिया साहब को जज्बात के तौर पे सुन रहा था। मैं बहुत मनोरले एक कमजोर तबके में, एक उच्च समाज में, जहां का दर्द समेट करके आपके सामने लफ्जों से नहीं जज्बात से आपके सामने पेश कर रहा था विनोद चंदेलिया जी, और ये हमारे एससी मोर्चा के प्रधान है प्रदेश लोकतंत्र सुरक्षा मंच चंदेलिया साहब, आके जरा बहुत अच्छे, आपने जरा एक तालीम के नाम की लगा। नाहर सिंह यादव जी, बहुत सारे हमारे बहने और भी बैठी हैं, और पांच छह इंटरनेशनल प्लेयर भी इनके साथ में आए हैं। मैं उन प्लेयरों का भी ध्यान रखता हुए उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, हमारे बहुत सारे मौजूद मेहमान यहाँ पर बैठे हैं, अगर सुभाष रंगा जी और हमारे रितेश शर्मा जी, भाई भाई जगवीर जी, जो दिन रात यहाँ पर रात पूरी लगा दी, कहाँ गया जगवीर? जगवीर जगवीर वही बीच में आ जा भाई, अगर कहीं बात थी पंडाल में होगा जगवीर, अरे सामने तो दिखाते सकल ताकि पहचान ले लोग। भाई जगवीर जी पिछले दो दिन से लेखराम जी के साथ पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर है, हम शब्दों से इनका धन्यवाद नहीं कर सकते, ये देखना जरा हड्डियां टाई है, लेकिन एक बात मरने कटने के लिए तैयार है। ऐसा जज्बा जब तक हमारे बीच में लोगों के नहीं होगा, तब तक आप हिसाब की बात मत करना। मित्रों, मंचस्थ बहुत हमारे इधर राजवीर जी कैसे बैठे हैं, इधर हमारे विनोद चंदेल जी बैठे हैं, और इस राणा से रतन बैरागी जी बैठे हैं, सुभाष रंगा जी हैं, तरुण शर्मा जी हैं, उपस्थित जनसभा में सभी एसएस बोर्ड के हमारे एसएस बोर्ड साहब भी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ, और मुकेश शर्मा जी भी आए हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। साथियों, यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोकल जो आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, पूरी शहरी समाज की भी एक टीम यहाँ पर, मैं उनका शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से आपका स्वागत, रघुवीर जी, अमर सिंह जी, नरेश जी, शेखर जी, राजपाल जी, महावीर जी, नरेंद्र कुमार जी, धर्मपाल जी, ब्रिज सिंह जी, दीनदयाल जी, हरभजन जी, शोकन जी, शिवराम जी, कालूराम जी, भगीरथ जी, संजय जी और राजेश जी, और भाई अर्जुन अपने चौकन पार्षद साहब, रघुवीर सैनी जी प्रधान सैनी सभा, अमर सिंह जी सैनी युवा संगठन के बावल से भाई अमर सिंह जी, और हमारे कुलदीप चौहान जी बावल, भाई नरेश पाल जी कुल्तानी, मास्टर लालचंद जी नांगल, भाई संजय पार्षद जी, भाई सुधीर जी, श्रीचंद जी, सतीश कुमार जी, और बहादुर जी, रिंकू जी, गजेंद्र जी, रमेश जी, ये सारे लोग हैं भी हैं या के नाम कुछ नहीं है भाई, क्योंकि पंडाल में जो है ना भांति भांति की सूरतें दिखाई दे रही है मेरे पास, क्योंकि अभी भी तीन कागज बाकी है, तो कहीं बात नामो नामो तक न रह जाए। मैं भगवान का नाम लेकर के आप सभी को साथियों सिर झुका करके आपको प्रणाम करता हूं, आप सभी का धन्यवाद।